मैं हूं आचार्य पीखमाना। होम सूत्र में आपका स्वागत है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। अक्सर जब इन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो आपके दिलो दिमाग के ऊपर राधा और कृष्ण की तस्वीर, उनकी प्रतिमा आपके सामने आती है, जो अपने आप में एक दिव्य मोहब्बत का प्रतीक है। और गीता या भगवान कृष्ण की जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय एवरी रिलीजन। आज हम बात करेंगे मनपसंद जीवन साथी की, कि आप तो मोहब्बत करते हैं लेकिन दीवार बन गया है समाज, या आप तो मत मोहब्बत करते हैं लेकिन दीवार बन गई है कुंडली। कुछ ना कुछ इसका असर आप जन्माष्टमी के दिन कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, और ये मेरा विषय उन दर्शकों के लिए सिर्फ नहीं है जो किसी को प्यार करते हैं। अरे प्यार तो आप अपनी पत्नी से भी तमाम उम्र कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर पति और पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद की संभावना है, या आपको लगता है कि मोहब्बत में कहीं कमी आ गई है, तो इस उपचार को जो बताने वाला हूं, जन्माष्टमी की रात्रि को आप करेंगे, क्या करेंगे, राधा कृष्ण की एक प्रतिमा लेंगे। उस प्रतिमा को लेकर आपने 5 प्रकार का श्रृंगार उसके समक्ष रखना है। श्रृंगार क्या है? सिंदूर, बिंदी, कंगना, इत्र और साथ में पुष्प, या आप कोई भी खुशबू की चीज़, या कोई भी जो आपकी शादी के साथ जिसका संबंध होता है वो आप बाली रख सकते हैं, कोई आभूषण रख सकते हैं। 5 प्रकार का श्रृंगार उनके समक्ष रखिए। उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम शिव शुक्राय नमः। क्यों? पहली बात तो दिशा जब आप रखेंगे पूर्व दिशा होनी चाहिए। आपकी कुंडली में शुक्र जो है आपके सप्तम भाव का मालिक होता है, जो मोहब्बत का इजहार करता है। जब आप कहते हो कि मैं तुमसे बेपना मोहब्बत करता हूं, शुक्र ग्रह है। कई बार क्या होता है, लव एट फर्स्ट साइट, सेपरेशन आफ्टर 6 ईयर्स या 6 मंथ्स, इस प्रकार की भी अगर किसी वक्त आपकी स्थिति आ चुकी है, आप इस कगार के ऊपर हैं, तो इस जन्माष्टमी के दिन जो मैंने आपको उपाय बोला है, पूर्व दिशा में राधा कृष्ण की तस्वीर रख के ओम शिव शुक्राय नमः इस माला का आप जाप करेंगे। उसके बाद एक बात का ध्यान रखना है, माखन का भोग, माखन कारक भी शुक्र ग्रह का है। माखन अर्पित राधा कृष्ण की तस्वीर को आपने अवश्य करना, और अपने जीवन में गाय को चारा खिलाते रहिए, गौ दान करते रहिए, गौ का तिरस्कार कभी मत कीजिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर वो मोहब्बत जो अब तक आपको नहीं मिली, उपाय करने के बाद मेरा आपको वादा है कच्चे धागे की तरह चले आएंगे वो, बंधे आएंगे वो। तो इस प्रकार की जानकारी, चाहे पर्व है, त्यौहार है, कोई भी दिन है, हम आपको बिल्कुल अवश्य देते रहेंगे। एक बात का वादा कीजिए कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ, हमारे होम सूत्र के साथ हमेशा जुड़े रहिए। नमस्कार।